यानी कौन सा जो स्थान है, ग्रहों का स्थान दूरी के अनुसार और भार के अनुसार, यानी कौन सा जो ग्रह है वो दूरी के अनुसार कौन सा क्रम में आता है और भार के अनुसार कौन सा क्रम में आता है। तो हम वन बाई वन करके सभी ग्रहों को देख लेंगे, 5 मिनट में सभी ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग जो देखेंगे उसके बाद कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दूरी के अनुसार, यानी दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है जो किस स्थान पे आता है, कौन सा स्थान किस ग्रह के बाद आता है। दूरी के अनुसार यानी सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे कि कौन कौन सा ग्रह है, यानी कौन सा ग्रह किस ग्रह के बाद आता है, यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है और सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है और नजदीक कौन सा ग्रह है, किस क्रम में कौन सा ग्रह आता है, ये भी हम लोग देखेंगे सभी ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसका ट्रिक्स है, यानी ट्रिक्स एक ही ट्रिक्स से सभी हम लोग इसको पता लगा लेंगे। तो यानी दूरी के अनुसार, सबसे पहले दूरी के अनुसार ट्रिक्स जो हम लोग देख रहे हैं कि दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह पहले होगा यानी सूर्य से। तो ट्रिक्स है BSP, मायावती का सब कुछ है। BSP मायावती का सब कुछ है। BSP एक पार्टी का भी नाम है जो बहुजन समाज पार्टी है, जो मायावती की पार्टी है। तो पार्टी नेताओं के लिए तो पार्टी ही ऑल इन ऑल होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया है कि BSP मायावती का सब कुछ है। 3-4 बार आप लोग बोलिएगा तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी के माध्यम से हम लोग दूरी के अनुसार सभी ग्रहों को हम लोग एक वाई वन वाई वन करके हम लोग देखते चलेंगे, यानी BSP मायावती का सब कुछ है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है और दूर कौन सा है। तो देखते हैं सबसे पहले बी से हो गया जो बुध, बुध, फिर बुध के बाद हो गया शुक्र, शुक्र, शुक्र के बाद पी से हो गया पृथ्वी, पृथ्वी माया है इसमें, माया और बत्ती, तब माया से हो गया मंगल, माया से हुआ मंगल, बत्ती से हुआ बृहस्पति, बृहस्पति, बत्ती से बृहस्पति, फिर एस से हुआ, फिर यहां पे शनि, एस से शनि हो गया, ए से हुआ अरुण, ए से अरुण, और बी से वरुण, बी से वरुण हुआ। यही हमारा जो ग्रह की संख्या है 8 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इतना जो ग्रह है 8 ही ग्रह है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, इसको भी छांटने के लिए दे देता है कि इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है। तो यही हमारा 8 ग्रह है, जो ऑप्शन में नहीं रहेगा उसको हम लोग छांट देंगे। यानी अब अगर दूरी के अनुसार अगर हमसे पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो वरुण हो जाएगा। सबसे नजदीक ग्रह पूछेगा तो बुध हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी कर देता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो पृथ्वी दो ग्रहों के बीच में एक सूर्य हो गया एक मंगल हो गया, यानी पृथ्वी मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, बृहस्पति किन दो ग्रहों के बीच में है, तो शनि और मंगल के बीच में स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर क्रम के दृष्टि से देखा जाए तो मंगल कौन सा स्थान पे होगा, यानी मंगल 1 2 3 4 यानी चौथी स्थान पे होगा। अगर इस ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे तो कभी हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, समझे। यानी BSP मायावती का सब कुछ है, यही ट्रिक है हम लोग का। बी से हो गया जो बुध हो गया, एस से शुक्र हो गया, पी से पृथ्वी हो गया, माया से हो गया मंगल हो गया, बत्ती से बृहस्पति हुआ, एस से शनि हुआ, ए से अरुण हुआ, बी से वरुण हुआ। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कितना ऐसा ग्रह है, कितना ऐसा ग्रह है जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें 5 ग्रह आता है, 5 ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, 5 ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये याद रखेंगे कि कितना ग्रह को, 5 ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो उसको भी याद करने का एक अच्छा ट्रिक्स है कि कौन कौन सी हम लोग जो ग्रह है उसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो 5 ग्रह इसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक्स है, जो भी दिन के नाम पर हो, जो भी ग्रह दिन के नाम पर हो, 5 ग्रह यानी जो भी ग्रह है जो दिन के नाम पर हो उसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग पता लगा सकते हैं, बुध भी हो गया, शुक्र भी हो गया यानी शुक्रवार बुधवार, देख रहे हैं पृथ्वी से कोई दिन का नाम नहीं होता, पृथ्वी छट गया, मंगल हो गया, फिर बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, शनि से शनिवार हो गया, अरुण कोई दिन का नाम नहीं है, वरुण कोई दिन का नाम नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5
जिसको हम लोग दिन के नाम पर है और उसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। और इसका जो कभी कभी क्वेश्चन ये भी देता है कि सूर्य के जो सबसे कम समय में जो चक्कर लगाता है वो कौन सा ग्रह है, तो सूर्य का सबसे जो नजदीक में जो ग्रह रहेगा वही ग्रह सबसे तेज गति से चक्कर लगाएगा। तो सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध है। तो बुध जो है पृथ्वी का चक्कर 88 दिनों में लगाता है, क्योंकि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह जो है वो है बुध है, बुधवार है। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग इतना कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी देता है कि कौन सा इसमें से पार्थिव ग्रह है, कौन सा पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी देता है, और कौन सा बाह्य ग्रह है या बृहस्पतीय ग्रह देता है। तो इसमें चार जो ग्रह है ये हमारा 1, 2, 3, 4 यानी यहां तक जो है हमारा, इसको हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह या पृथ्वी ग्रह भी हम लोग इसको कहते हैं। तो इसको और इसको बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है, बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह भी इसको कहा जाता है, और इसको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी इसको कहा जाता है, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी इसको कहा जाता है। तो माइंड में क्वेश्चन उठता है कि आखिर इसको क्यों ऐसा कहा जाता है, पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है या पृथ्वी ग्रह क्यों कहा जाता है, इसको बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो भाग में जो बांटा गया है, इसमें जो बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है, इस वजह से इसको बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं, और इसको पृथ्वी, इसमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वो पृथ्वी ग्रह है, इस वजह से इसको कहा जाता है पृथ्वी पार्थिव ग्रह इसको कहा जाता है। और ये जितना भी ये चार है, जो ये जितना भी ये मात्र चार ग्रह है जो ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये जितना भी जो चार ग्रह है ये हमारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और ये जो चार गैस है ये जो गैस की अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में, एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में या जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। दो अवस्था में पाए जाते हैं, एक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, एक गैस या जल वाष्प की अवस्था में पाया जाता है, समझे। ये पार्थिव ग्रह भी इसको बोल सकते हैं। तो पार्थिव ग्रह कितना हुआ, चार हुआ, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। क्वेश्चन किया जा सकता है कि इसमें पार्थिव ग्रह कौन सा है या बृहस्पतीय ग्रह, तो बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह में बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे ग्रहों का जो स्थान है, हम लोग ने देख लिया दूरी के अनुसार, अब हम लोग भार या आकार के अनुसार हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो ग्रह है वो आकार के अनुसार या भार के अनुसार कौन सी स्थान पे आता है, यानी कौन सा जो ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक भारी है, और कौन सा ऐसा जो ग्रह है जो सबसे हल्का है, यानी सबसे भारी ग्रह और सबसे हल्का ग्रह, यानी हम लोग घटते हुए क्रम में देखेंगे सबसे अधिक कौन सा भारी ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह कौन, यानी भार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका जो ट्रिक्स है, पति शनि की आवरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी, क्या है, पति शनि की आवरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। इसको 4-5 बार कंटिन्यू बोल दीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके भी आप लोग 2 या 3 बार बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा। यही ट्रिक्स है, पति शनि की आवरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। अब इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ग्रह है जो, यानी बृहस्पति से हो गया बृहस्पति, यानी सबसे भारी ग्रह कौन सा हुआ, तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह हमारा बृहस्पति। उसके बाद तो नाम से ही पता चल रहा है इसको शनि, उसके बाद की से तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद आवरू में आ से हुआ अरुण, बरू से हो गया वरुण, बरू से हुआ वरुण, यानी भार के अनुसार ये सब देख रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी तो पूरा नाम ही पता चल रहा है पृथ्वी, उसके बाद स से हुआ शुक्र, उसके बाद आधा म है तो इसको म से क्या हुआ मंगल, और मंगल के बाद बच गया क्या बुध हो गया। यानी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जो ऐसा ग्रह है जो भार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, भार के अनुसार या आकार के अनुसार
हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी, यानी सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, यानी सबसे जो छोटा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? बुध होगा, क्योंकि सबसे आखिरी में है बुध, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि पृथ्वी का स्थान बताइए भार के अनुसार, यानी भार या आकार के अनुसार पृथ्वी का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो हम लोग नंबरिंग करके ही देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए आठ ग्रह है, आठों ग्रह हमारा टिक सटीक बैठ रहा है, यानी अगर भार के अनुसार पूछा जाए कि पृथ्वी कौन सा स्थान पे आएगी, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी पांचवा स्थान पे। भार के अनुसार पृथ्वी का स्थान कौन सा होगा? तो पांचवा स्थान होगा। यानी इसी प्रकार अरुण का पूछ दे तीसरा स्थान होगा। इसी प्रकार ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, सारा का सारा याद रहेगा, कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। यानी सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए बुध ग्रह हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति के बाद पूछा जाए शनि हो जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिए, यानी भार के अनुसार भी देखे, आकार के अनुसार और भार के अनुसार और दूरी के अनुसार भी हम लोग देख लिए ट्रिक्स को। अगर ट्रिक्स आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।